आई जस्ट गॉट रेडी अगेन. मैंने बहुत सिंपल सा किया है बट मैंने हेयर स्टाइल इस बार ऐसे करी है. और ये मेरा लहंगा है जिसको मैं अभी आपको प्रॉपर लाइटिंग्स में दिखाऊंगी. और अगेन मेरा कमरा बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो रखा है. एक मिनट दिखाती हूँ. दिस इज माई लहंगा. वेरी प्रिटी मिंट ग्रीन कलर. एंड मैं लाइफ में पहली बार कोई पेस्टल कलर पहनने वाली हूँ. अदरवाइज मैं वही चटक कलर्स पहनती हूँ. पेस्टल के फिर भी दुपट्टा उसका फिर भी काफ़ी प्यारा सा है, इसलिए पेस्टल कलर पहना है. सो ये मेरा लुक रहने वाला है. ये बैंदा मैं थोड़ा अच्छे से सेट करा लेती हूँ. हम लोगों के ब्यूटिशियन ही इस लेवल के सुंदर है. ये चमकती है. ओके आशिमा फाइन. सो ये है हम लोगों की मेकअप आर्टिस्ट आशिमा दत्ता मेकओवर्स. और हाय, ये है टीनू का जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है इसने, गजब किया है. क्यों टीनू, अभी भी चल रहा है मेकअप. और ये हमारी हेयर स्टाइलिस्ट है. यार ये देखो कितनी सुंदर, ये बिना मेकअप की है अभी, कितनी सुंदर है. और ये भी बड़ी सुंदर सुंदर है. हाँ आई देखो यार. तो हम लोगों की जो गेस्ट लिस्ट थी वो प्रॉपर 250 तक ही लोग थे, इसीलिए ये जो वेन्यू है ये बहुत खाली खाली भी लग रहा था, क्योंकि 250 लोगों के अकॉर्डिंग ये थोड़ा स्पेस बड़ा हो रहा था. तो हम लोगों ने उससे ज़्यादा लोग नहीं बुलाए थे, बिल्कुल काउंट करके ही गेस्ट को बुलाया गया था. एंड ये पेस्टल कलर में, वाइट एंड पेस्टल कलर की थीम का स्टेज है ये टीनू, और हम लोगों ने ही सिलेक्ट किया था. लाइटिंग्स वगैरह एंड में मैंने थोड़ी चेंज करवाई अपने अकॉर्डिंग. एंड नाउ इट इज़ गोइंग प्रिटी. सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए स्टेज के लिए. और अभी जो बाराती है वो आ गए हैं, मतलब गेट पे बारात आ चुकी है. तो वैसे तो सुबह शादी हो चुकी है, बट एक वो जो नॉर्मल वाली हम लोगों की बारात होती है वो हम लोगों ने निकलवाई थी. तो ये बारात गेट पे आ चुकी है. बड़े पसंद नहीं है, वापिस कर देना बाद में. तो आज हम की जो हमारी जो टीनू है वो इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है कि मतलब बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है. क्यों? एक नंबर, पहली बार लड़की लग रही है. ला देखा लग रहा है देखो. और नहीं तो क्या, बड़ी प्यारी लग रही है. ये लड़कियां होती हैं.
कोई नहीं कोई नहीं। वो वही मेरे कह रहे यार, बाद में करवा देंगे आप। नीचे ओ हाय 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 करो भैया, हाय करो ये। सब्सक्राइब करें, हमारी रुचि मैडम इज बिजी। शर्म लोगों में से हैं जिन्हें नहीं इनवाइट किया गया था, फिर भी हम आ गए। नहीं तो घर के लोगों को इनवाइट करने की जरूरत नहीं होती, सच्चे दोस्त। ओके जन एडिटिंग एडिटिंग हो गया। हेलो गाइस, देखिए इसे पहचान गए इनको, हमारे चाहने आपको पहचान गए, इनको पहचान गए, प्यार ही नहीं खत्म हो रहा अपना है। गाइस तो नाउ आज है डे, आज 29th है कि 30 है, आज 30 है, कल 29 थी। तो आज हम लोगों का मतलब 28 की थी, 29 को विदाई हो गई, सब कुछ हो गया, तो फाइनली शादी सब कुछ अच्छे से हो गई है। बस ये हुआ था कि जो रिसेप्शन डे था 8:30 बजे करीब, ये हुआ था कि विक्की को वॉमिट, इसने क्या किया, विक्की ने इतना ओवर एग्जर्शन ले लिया जो कि रिक्वायर्ड भी नहीं था, इन सब ने यही बोला। और चलो एग्जर्शन लिया तो लिया, जैसे मेरे फादर इन लॉ भी बहुत काम कर रहे थे, मैं कर रही थी, मेरी मदर इन लॉ कर रहे थे, हम सभी लोग बहुत काम कर रहे थे, लेकिन सब टाइम टू टाइम खाना पीना खा रहे थे, सो रहे थे आराम से। विक्की ना तो इतना ओवर एग्जर्ट हो गया ये कि इसने उस दिन क्या किया, सुबह से खाना नहीं खाया, सुबह सिर्फ इडली खाई थी, अब इडली एक घंटे में पच जाती है, ठीक है, इडली खाई सुबह, और उसके बाद सीधे इसने खाना खाया 5 बजे, इसे 5 बजे खाना खाया, फिर अगेन वही भागा दौड़ी कर दी, इसका सर चढ़ गया, एसिडिटी या जो भी इसको हो गया। 7:30 मतलब बारात हमारे गेट पे आई है, हम लोग सैंपल लेकर के आए हैं, फोटोज वोटोज क्लिक कराए, और मैं विक्की के पीछे पीछे आई हूँ कि चलो टीनू को लेके आते हैं, हमको ये आया खबर 8 बजे करीब। और इसको जो वॉमिटिंग हुआ है विक्की को, माय गॉड, मतलब मैं 2 मिनट के लिए तो डर गई थी, मेरा सब कुछ गया तेल लेने, मैं इसको देख के डर गई विक्की को। फिर उसके बाद है ना हम लोग अंदर गए उसको लेकर के, विक्की को अंदर लेकर के गए, जैसे ही विक्की को अंदर लेकर के गए, टीनू को अजीब सा
उसको कुछ अजीब ही हो रहा था, मतलब वो क्या हो रहा था उसको भी नहीं समझ में आ रहा था, ना हम लोगों को समझ में आ रहा था। टीनू इज समवन जो ऐसे एंजाइटी फेंजाइटी ये सब नहीं लेती वो, ना ही वो लोड, मतलब इससे ज़्यादा भागा दौड़ी वो कर चुकी है, तो वो इस टाइप की लड़की नहीं कि वो इन सब चीज़ों में घबरा जाए और ऐसा कुछ हो जाए। उसको ना बहुत अनईजी सा लग रहा था, और ऐसा भी नहीं है कि हमने इन लोगों को खाना, तीनों को तो मतलब टाइम टू टाइम से पहले खाना खिलाया जा रहा था, टाइम टू टाइम थोड़ी थोड़ी देर में खाना खिला रहे थे। फिर उसके बाद मैंने विक्की को बोला, मैंने कहा अपन इसकी वरमाला कराते हैं टीनू की, थोड़ा विक्की को आधा घंटा सोने दिया, और वरमाला हम लोगों ने कराई टीनू की, और वरमाला कराने के बाद विक्की को अगेन हमने अंदर भेज दिया कि आप सो जाओ अभी, अब कुछ और नहीं करना है। फिर इसने क्या किया, बहुत सारा पानी पी लिया, वो पानी भी सारा निकल गया, तो सब बहुत डर गए थे, मेरी मदर इन लॉ और मैं तो, मतलब हम लोग तो बहुत ही डर गए थे। फिर उसके बाद तो क्या, ना टीनू ने कुछ खाया, ना मैंने कुछ खाया, ना मेरी मदर इन लॉ ने कुछ खाया, ना विक्की ने कुछ खाया, मेरे फादर इन लॉ टचवुड वो ठीक है, तो वो बहुत सारी चीज़ें। अब फिर विक्की जब सो गया था तो जो विक्की के फ्रेंड्स आए उनको भी मैं अटेंड कर रही थी, मेरे फ्रेंड्स आए उनको भी मैं अटेंड कर रही थी, हमारे जो मुंबई वाले फ्रेंड्स आए थे उनको, हालांकि सब समझ रहे थे कि भाई ठीक है शादी वाला घर है, ऐसा कुछ वो नहीं था, बट स्टिल एक होता है ना। फिर और भी जो लोग हैं उनको भी मैं अटेंड कर रही थी, फ्रेंड्स व्रेंड्स वगैरह को, तो वो सारी चीज़ों में लगे रहे। फिर उसके बाद 9:30 और 9:45 तो टीनू की शक्ल इतनी चेंज हो गई थी, इतनी चेंज हो गई थी कि मतलब सब डर गए थे कि इसको क्या हो गया, उस मतलब वो इतनी गिवअप करने वाली लड़कियों में से नहीं है। फिर उसको इतना अनईजी लगा कि हम उसको वापस स्टेज पे से उतर करके, क्योंकि 200-250 लोग ही थे, ज़्यादा लोग नहीं थे थैंकफुली, तो बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं चला रिसेप्शन का, 2 घंटे में सब लोग स्टेज वाला जो प्रोग्राम होता ना वो हो गया था, बट हमारा ये था कि 10 के बाद हम फैमिली वाला पिक्चर क्लिकिंग और ये सब करते। वो स्टेज पे से उतर गई, उसका हमने लहंगा खोला, 2-3 घंटे के बीच में वो नॉर्मल हो गई, जैसी नज़र उतार दी ऐसी विक्की के भी साथ हुआ, वो भी सो लिया, सुबह सब नॉर्मल हो गए। जबकि विक्की के जो सिम्टम्स थे ना, हमारे टीनू के फादर इन लॉ इज डॉक्टर, और टीनू का जो बेस्ट फ्रेंड है हिमांशु, वो पूरा यहाँ पर उसका मेडिकल का बहुत बड़ा वो चलता है, तो अंकल से भी बात करवा दी थी, तो उन्होंने सबने बोला कि जिस तरह से विक्की को पानी भी निकाल रहा है, मतलब हो सकता है इट माइट पॉसिबल कि उसको वो हो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। रात को 2 बजे विक्की के लिए दवाइयाँ कैसे भी करके हमने अरेंज करवाई, दवाई दी, वो सोया, और सुबह फिर सब नॉर्मल हो गया, सब दोनों नॉर्मल हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, तो थैंकफुली ये हम मेरी मदर इन लॉ हम यही खुश हो रहे थे कि एटलीस्ट ये हुआ है कि सारी चीज़ें निपट गई, रिसेप्शन तो चलो ठीक है, शादी वादी मैंने तो भाई इस लेवल का एंजॉय किया है, पूरी शादी शॉपिंग से लेकर के, मेरे को ना मन में हमेशा एक रिग्रेट रहता है, देखो मासी के यहाँ भी बच्चे हैं, मेरी बुआ के यहाँ भी बच्चे हैं, मामा के यहाँ बच्चे हैं, सब जगह हैं, बट कैसे तो ना आप मासी मामा बुआ सबके बच्चों के यहाँ, जैसे आप कितने मैक्सिमम कितने दिन पहले से जाओगे, 7-8 दिन पहले से जाओगे, फिर आपके भी तो काम होते हैं ना। एक होता है कि खुद घर के अंदर की जो शादी होती है ना, जैसे सगे भाई की, आपके भाई की, कि आप एक एक चीज़ एंजॉय कर पाते हो शॉपिंग से लेके सब कुछ, वो मैं बड़ा वो करती थी कि यार, मतलब मेरा क्योंकि कोई है नहीं ना ऐसा रियल ब्रदर एंड सिस्टर, तो मेरा ये था कि मैं टीनू की शुरू से ही था, शुरू से मेरी शादी जब से हुई ना तब से मेरे को था कि मैं टीनू की शादी में सब कुछ करूँगी, सब चीज़ें करूँगी, तो हो ही गया ऐसा। कोविड की वजह से हम यहाँ आ गए, तो वो तो डे वन से जो शॉपिंग से लेके डिस्कशंस, मेन्यू डिस्कशंस, क्या होना चाहिए, कैसा डिकोर होना चाहिए, सब कुछ हम लोगों ने डिसाइड करके, और सारा टीनू और हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता था कि हाँ ये कलर अपन करेंगे, ये कॉम्बिनेशन, सबको एक ये बहुत वो है, सेटिस्फाइड हूँ अब मैं इस शादी के बाद कि आई एम डन विथ नाउ, मेरे को ये बहुत मन था। तो मेरे सारी स्टार्टिंग से लेकर के गोल्ड शॉपिंग, ये शॉपिंग, वो शॉपिंग, अरेंजमेंट्स कराना, पार्लर वाली चीजें, सब कुछ मैंने फुल ऑन एंजॉय किया। आप सोचो मैंने भाभी वाली रस्में भी निभाई है, जो होती है ना भाभियों की जो भी रस्म होती है मैंने वो भी निभाई है, मैंने जूते तक छुपाए हैं, मैंने बहन और फ्रेंड वाली रस्म भी निभाई है। कुछ एक दो लोगों को ऑब्जेक्शन था कि मैं क्यों ये काम कर रही हूँ, बट मैं उनको मुंह पे बिंदास बोलती थी, मैंने कहा नहीं नहीं पहले मैं उसकी दोस्त हूँ उसके बाद मैं उसकी भाभी हूँ, तो मैं तो सब बहुत एंजॉय करा, मैं बहुत अच्छे से निकल गई, बहुत एंजॉय, क्योंकि एट दी एंड यार डांट वाट जो सब गया तेल लेने, आपका मैटर करता है आज से 5 साल बाद हमारे पास इतने कांड और किस्से रहेंगे शादी के। मुझे एक चीज़ का रिग्रेट ये रहेगा कि मैं उस दिन, जिस दिन मैंने वो लहंगा पहना था मिंट कलर का, उस दिन मुझे सबने इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, पर मैं उसमें एक फोटो विक्की के साथ नहीं ले पाई, ये चीज़ का मुझे बहुत रिग्रेट रहने वाला है। ना मैंने उसमें सिंगल कोई फोटो निकलवाई हमारे स्टेज के सामने, ना हमारी कोई सिंगल फोटो आई है, ये सब कुछ नहीं आया, बट ठीक है रहेगा, पर इसका रिग्रेट मैं वही मन को समझा रही हूँ ठीक है, बट इसका मुझे रिग्रेट तो रहने वाला है, तो वही है बस। और टीनू के इन-लॉज बहुत अच्छे हैं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हर कि उसके जो इन-लॉज वाली फैमिली है दे आर वेरी ओपन माइंडेड, टीनू जैसी हैं, जैसे टीनू का कल्चर वो है ना, जैसे टीनू की मेंटेलिटी ना, जियो और जीने दो, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, हमें जो पसंद आएगा हम वो करेंगे, ना हम तुमको टोकेंगे ना तुम हमको टोको, उसके इन-लॉज बिल्कुल वैसे ही है, भाई तुमको जैसे रहना तुम वैसे रहो, तुम्हें जो करना है वो करो,
ना कोई इंटर, मतलब वैसे एकदम कूल एंड चिल इसके पूरे इन-लॉज की फैमिली है, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हो रही थी कि चलो अच्छा है यार, ऐसे ही होने चाहिए, ऐसा मतलब बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही अच्छे लगे, टच वुड। और लड़का तो है ही हमारा सैम जो है, बिंदास है। ओके गाइज, सॉरी टू इंटरप्ट यू इन द मिडल। तो अमेज़न की जो सेल है वो स्टार्ट हो रही है, वार्डरोब रिफ्रेश सेल 18th दिसंबर से, जिसमें आपको मिलेगा अप टू 50-80% तक का ऑफ, जिसमें आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स, टॉप ब्रांड्स एंड 30 डेज रिटर्न मिलने वाला है। तो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, आइए आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो हम लोगों ने वेडिंग में जो नेल पेंट लगाया था, जेल पॉलिश लगाया था, वो हम लोगों को एटलीस्ट 20 डेज तक स्टे किया था नेल्स पर। तो उसके साथ ही मैंने कुछ और भी नेल पॉलिशेस मंगवाई हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं ये यूवी। तो आप यू नो पार्लर में जाकर के पैसे खर्च करने की बजाय आप खुद ही घर पर इस तरह की एक मिनी किट मंगवा सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो। आप घर पर आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं अपनी मम्मी को लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फाउंडेशन कोट लगाया है। आपको सिर्फ एक फाउंडेशन कोट लगाना होता है थोड़ी सी नेल्स की बफिंग करके, वो भी ऑप्शनल है। जैसे मैंने अपनी मम्मी को कोई बफिंग वगैरह नहीं करी है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट फाउंडेशन कोट लगा रही हूँ। उसके ऊपर मैं एक नॉर्मल पेंट लगाऊंगी जो मेरे पास आया है, जेल यूवी नेल पेंट, आप वो लगाऊंगी। उसके ऊपर शाइनी वाला जो कोट होता है वो लगा दूंगी एंड दैट्स इट। ये आराम से आपको स्टे करता है आई थिंक 8-10 डेज तक, लेकिन अगर आप बफिंग करके यूज़ करते हो तो आराम से आपको 15-16 डेज तक ये स्टे करता है। तो क्योंकि सेल स्टार्ट हो रही है, वेडिंग सीजन चल रहा है, आप ये अपने लिए मंगवा सकते हैं, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किट हो जाएगा हमेशा के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दूंगी। आई ऑल्सो बॉट दिस फ्रॉम अमेजन। ये है त्रिचप हॉट ऑयल ट्रीटमेंट हेयर मास्क कैरेटिन डैमेज रिपेयर। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेयर मास्क अवेलेबल इन द मार्केट जो मैंने भी अब तक यूज़ किया है। इसका जो प्राइस है इट्स 699 एंड डेफिनेटली वर्थ द मनी है। आप देखिए कितने बड़े कंटेनर में आता है एंड बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। आप इसको एज अ हेयर मास्क की तरह भी लगा सकते हैं शैम्पू करने से पहले, एंड आप चाहें तो इसको एज अ कंडीशनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों की तरह ही इसको यूज़ करती हूँ, बट हाँ विंटर्स में मैं इसको एज अ हेयर मास्क ही यूज़ करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डाउन बिलो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा अपनी ये वाली जो वेडिंग सीरीज के वीडियोस हैं। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।